और अगला सवाल एक ईमेल पे हमारे पास आया है और ये डॉक्टर मनीमाला रावत जी का है। ये आरजी लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, इनको 3 BHK फ्लैट चाहिए और इनका बजट है तकरीबन 60 लाख रुपए, तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए वैशाली ये जा सकते हैं या कोई और विकल्प है? रावत साहब, आपके लिए जो नोएडा एक्सटेंशन का आपने चुनाव किया है उसमें टेक जोन 4 सेक्टर 16 BNC और सेक्टर 1 का चुनाव किया है हमने। इस टेक जोन 4 जो है वो 6 किलोमीटर दूर है नोएडा के सेक्टर 122 से। कनेक्टिविटी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से काफ़ी अच्छे से होती है। दिल्ली में जसोला क्षेत्र करीब 18.5 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। सेक्टर 16 BNC हमने चुना है क्योंकि ये सेक्टर 121 के करीब पड़ता है। नोएडा यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है इसको। और सेक्टर 1 चुना है क्योंकि इसकी भी सीमलेस है और साथ में सेक्टर जो है वो 5.5 किलोमीटर्स दूर है गौर चक्कर से, जो एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। आइए कुछ और आंकड़े शेयर करते हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 215 है। टोटल सप्लाई 1,65,470 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 55,720 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 39 मंथ्स की चल रही है क्योंकि काफ़ी भारी सप्लाई है यहाँ पे। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 16% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 5-6% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 16B में आरजी ग्रुप का लग्जरी होम्स प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है 3,700 रुपीज़ स्क्वायर फुट पे। डेवलपर से आप इसे ले सकते हैं। 3 BHK की 1,565-1,872 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये रेडी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 8.4 एकर्स पे इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। कुल मिला के 9 टावर्स हैं, राउंड 29 स्टोरीज के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें तो 2.9 किलोमीटर्स दूर है ये गौर सर्कल से। सुपर स्ट्रक्चर टावर्स का बन चुका है और एंड ऑफ 2016 या अर्ली 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके फेवर में। डेवलपर एक फ्री कवर्ड पार्किंग भी दे रहे हैं हर अपार्टमेंट के साथ। हमारी राय में एक नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, गौर सर्कल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, आप जरूर इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए दो और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। पहला है टेक जोन 4 में गौरसन्स इंडिया का गौर सौंदर्यम 3,895 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,550-1,650 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। फेज़ 1 इसका 2016 में तैयार हो जाएगा और फेज़ 2 जो है 2019 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। 17.5 एकर्स पे 11 ब्लॉक्स वेरी हाइट्स के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे 700 मीटर्स दूर है गौर सर्कल से, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 100 मीटर का की वाइड एक ग्रीन बेल्ट को भी फेस कर ये प्रोजेक्ट और हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन करी है, जो एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं। कंस्ट्रक्शन 7 ब्लॉक्स का फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुँच चुका है और 2 ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्शन अर्ली स्टेजेस तक है। 2018 तक इसके रेडी हो जाने की उम्मीद है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 1 में है। अरिहंत बिल्डकॉन का अरिहंत आर्डन 3,625 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,550 स्क्वायर यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये रेडी हो जाएगा। 14 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं, जो है 3 किलोमीटर्स दूर है गौर सर्कल से। लोकेशन के तौर पे पार्शली रेडी हो चुका है और कुछ टावर्स फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं और अर्ली नेक्स्ट ईयर तक रेडी हो जाएंगे। तो आप नजर डाल लीजिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। पहला है गौर सुंदरम, ये गौरसन्स इंडिया की तरफ से है, और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है अरिहंत आर्डन, ये अरिहंत बिल्डकॉन की तरफ से है।